अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी पानी फूल की, जो कि इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। हम लोग इसको पानी पकौड़ा भी कहते हैं। तो हम मेरी रेसिपी को फुल एंड तक ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। तो झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें हम लोग एक कप बेसन छान लेंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ अच्छे से रिमूव हो जाएं। अच्छे से गुठलियाँ हम लोगों ने इसकी निकाल ली हुई हैं, ये देखें। अब इसमें हम लोग आधी चम्मच नमक की ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम लोग इसमें हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हम लोग इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। तकरीबन 2 पिंच इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे और हल्के हाथ से इसमें पानी ऐड करेंगे। फौरन इसमें सारा पानी ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 कप पानी लेंगे, उसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसमें ताकि हमारे पास एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। ये देखें, अच्छे से इसे फेंट लें, 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से फेंटते रहें और हमारे पास अच्छा सा फ्लफ़ी एक हमारे पास बैटर तैयार हो जाएगा। अब इसे एक साइड पर रखते हैं और इसका पानी तैयार कर लें। एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम लोग 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी आप जितना ठंडा लेना चाहें उतना लीजिएगा। और 1 कप हम लोगों ने इमली का पल्प तैयार किया है, उसे भी ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच मैंने इमली ली थी जिसको मैंने भिगो के अच्छे से हाथ से मैश कर लिया हुआ था, उसका पल्प तैयार कर लिया हम लोगों ने, वो भी ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच हम लोग हरी चटनी लेंगे, हरी चटनी जैसे हम लोग दही में डालते हैं उस तरह की चटनी लेंगे, धनिया और पुदीने की चटनी, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच हम लोग नमक की ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच हम लोग इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। एक चुटकी हम लोग सूंठ की ऐड करेंगे, सूखा अदरक उसको सूंठ कहते हैं, तो वो ऐड करेंगे हम लोग। और 1/2 चम्मच हम लोग इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम लोग काला नमक ऐड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े का और बहुत ही चटपटा पानी हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें हम लोग 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। मैंने 2 से 3 नींबू लिए हैं क्योंकि आजकल नींबूओं में इतना रस नहीं है, आप लोग 1 ले सकते हैं। अब अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और इसमें चंद पत्तियां पुदीने की और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। 1 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज ली जिसे लच्छे में काट लिया हुआ मैंने, वो भी ऐड कर लेंगे, इससे बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये देखिए, शानदार सा हमारा मज़ेदार सा खट्टा सा पानी तैयार हो चुका हुआ है। अब हम लोग फुलकियाँ तैयार कर लेते हैं। फुलकियाँ देखिए, ये बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथली तैयार हो चुका हुआ है। अब इस ऑयल हम लोगों ने पहले ही गर्म होने रख दिया हुआ था। ये देखें, जितनी आप लोगों ने क्वांटिटी लेनी है उतनी डाल के इसको फुलकी तैयार कर लें। लाइट गोल्डन सा हम लोगों को इसको पकाना है और बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों को इसको पकाना है ताकि अंदर तक ये फुलकी तैयार हो जाए। ये देखें, गोल्डन हमारे हो चुके हैं। अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं और एक बाउल में पानी लेंगे जिसमें इसको हम लोगों ने 1 मिनट के लिए डिप करना है और निकाल लेना है, ज़्यादा देर इसको डिप नहीं करना। ये देखें, ऐड कर लें इसको, बाकी भी इसी तरह हम लोग सारी बना लेंगे। 1 मिनट हमारा हो चुका हुआ है और इसे अब हम लोग हल्के हाथ से निचोड़ लेंगे, ज़्यादा दबा के नहीं इसे निकालिएगा, हल्का सा इसको हम लोग, ये देखें, पानी निकाल लें और ताकि हमारी फुलकी टूटे भी नहीं, और इसे उस खट्टे पानी में ऐड कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये पानी फुलकी। तो ज़बरदस्त पानी फुलकी हमारे तैयार हैं। अभी से हम लोग एक प्याले में निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा पानी फुलकी तैयार है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी तक मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।